नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दमयंती जी सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार होकर मालकिन की तरह हॉल में बैठ जाती थी और दिन भर सोफे पर बैठकर अपनी बहू श्यामली पर हुक्म चलाती रहती थी। उनकी नजरों में बहू की हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। श्यामली फिलहाल तो सास की बातों का पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन मन ही मन वो अपनी सास से बदला लेने के लिए आतुर थी और उचित मौके की तलाश में थी। दमयंती जी के पति का 5 महीने पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसके बाद से ही वो जरा बीमार रहने लगी थी और बार बार डॉक्टर के चक्कर भी लगने लगे थे। फिर भी उनकी सत्ता और शासन में कोई कमी नहीं आई थी। दमयंती जी को अपनी जमीन जायदाद का बहुत घमंड था और इसी घमंड के कारण उनके सभी रिश्तेदार भी उनसे दूर दूर ही रहते थे। दमयंती जी का एक बेटा था मनोज और एक बेटी थी दिशा। मनोज पर तो दमयंती जी जान छिड़कती थी, लेकिन उसकी पत्नी श्यामली को उन्होंने बहू होने का मान सम्मान कभी नहीं दिया। दमयंती जी तो अपनी बेटी को भी कुछ नहीं समझती थी, तो बहू के लिए उनके मन में कोमल भाव कहां से आते। उन्होंने शुरुआत से ही बेटे और बेटी में बहुत ही भेदभाव किया था। वो अपने बेटे को अच्छे से अच्छा भोजन करवाती थी और बेटी को बचा खुचा खाना खिलाती थी। बेटी की गलती पर उसे 1000 बातें सुना देती थी और बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल देती। उनका वश चलता तो वो बेटी को पढ़ने भी नहीं देती, लेकिन उनके पति ने जिद करके अपनी बेटी को भी उच्च शिक्षा दिलवाई। इस कारण से दमयंती जी दिशा से और भी चिढ़ती रहती थी। कहने को तो वो उनकी सगी बेटी थी, लेकिन दमयंती जी ने कभी भी दिशा को माँ का प्यार दिया ही नहीं। दिशा जब बचपन में देखती कि उसकी माँ भाई को प्यार कर रही है, तो उसका बाल मन भी माँ का प्यार पाने के लिए तड़प उठता था, लेकिन बदले में उसे मिलती तो केवल डांट फटकार और मारपिटाई। एक उम्र के बाद दिशा खुद ही समझ गई थी कि उसे उसकी माँ प्यार नहीं करती है, इसलिए वह स्वतः ही माँ से दूर रहने लगी थी। बेटे और बेटी में इतना भेदभाव था कि मनोज माँ का अतिरिक्त प्यार दुलार पाकर बिगड़ता चला गया। माँ की तरह ही उसे रुपए पैसों से बहुत मोह हो गया था, जिसके कारण धीरे धीरे वह बहुत ही लालची और स्वार्थी बनता चला गया। दमयंती जी को अपने बेटे पर बड़ा गुरूर था और वह सोचती थी कि बेटी तो एक दिन शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में बेटा ही काम आएगा। तभी तो वह दिशा पर कोई भी खर्च करने से कतराती थी कि पैसे बचेंगे तो बेटे के ही काम आएंगे। वो तो इस बात से भी भयभीत थी कि कहीं दिशा के विवाह में मोटा तहेज देना पड़ गया तो उनके बेटे के हिस्से की संपत्ति कम पड़ जाएगी। लेकिन दिशा के पापा ने दिशा की पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छा परिवार ढूंढा जहां दहेज की कोई मांग नहीं की गई। दिशा के पापा ने बहुत धूमधाम से नितिन से दिशा की शादी करवा दी। दिशा अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। दमयंती जी के सिर से तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, लेकिन जब जब दिशा मायके आती थी तो उसकी माँ का मुंह उतर जाता कि अब शगुन वगैरह देने का खर्च अलग से होगा। वो बार बार बेटी को ताने देती थी कि ससुराल छोड़कर बार बार यहाँ क्या करने आती हो। दिशा की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन पिता के मुंह में वो मायके आना छोड़ नहीं पाती थी। और पिता के गुजर जाने के बाद तो जैसे दिशा का मायका ही खत्म हो गया था। एक बार दिशा मायके आई हुई थी, पिता के बिना उसे मायके में अच्छा नहीं लग रहा था। दमयंती जी उसे देखकर चिढ़ गई और सोचने लगी कि यह बार बार मायके क्यों आती है, कहीं इसकी नजर मेरी जायदाद पर ना पड़ जाए, फिर मेरे बेटे के हिस्से में से इसे भी हिस्सा देना पड़ जाएगा। यही सब सोचकर उन्होंने दिशा को जलील करने के लिए एक प्लान बनाया। एक दिन दिशा सुबह सोकर उठी तो घर में कोहराम मचा हुआ था। दमयंती जी ने दिशा को देखते ही कहा, दिशा कल रात को तुम मेरे कमरे में आई थी ना। दिशा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो आपके सिर में तेल लगाने आई थी माँ। दमयंती जी ने तपाक से कहा, दिशा तुमने मेरे सोने के कड़े लिए हैं क्या। दमयंती जी ने रूखे स्वर में कहा तो दिशा सकपका गई। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं माँ, मैं आपके कड़े क्यों लूंगी। दमयंती जी ने चिल्लाते हुए कहा, बहू तो मेरे कमरे में आई ही नहीं, मेरा बेटा ऐसी नीच हरकत करेगा नहीं तो बाकी बची तू। जरूर ये हरकत तेरी ही है, मैं कहती हूँ अगर तेरे मन में कोई लालच नहीं तो क्यों बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। दिशा तो पाषाण की मूरत की भांति जड़ होकर रह गई। अपने ही घर में चोरी का इल्जाम उसके लिए असहनीय था।
उसकी आंखों से बहते हुए आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दमयंती जी ने उसे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया और तुरंत उसके कमरे में गई और उसका सामान लाकर उन्होंने उसका हाथ खींचते हुए उसे मायके की दहलीज के बाहर निकाल दिया और उसका बैग फेंकते हुए बोली कि चली जा यहां से, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। तुझे पता है कि तेरा यहां आना मुझे पसंद नहीं है, तो क्यों बार बार मुंह उठाकर यहां चली आती है? यह सब सुनकर दिशा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। दरवाजे के बाहर उसका कुछ सामान और कपड़े भूमि पर गिरे पड़े थे। वो रोते हुए सब कुछ समेटने लगी। सामान तो उसने समेट लिया था, लेकिन मन की टूटन को कहां समेट पाई थी। उस दिन मायके की दहलीज को उसने आखिरी बार प्रणाम किया और बहुत सारे बिखरे एहसासों को बिना समेटे वहां से अपमानित होकर ना माखे लिए हुए ऑटो में बैठकर वहां से चली गई। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वो इस दहलीज पर जलील होने कभी नहीं आएगी। दमयंती जी बहुत खुश थी कि उन्होंने अपने बेटे की संपत्ति के एक हिस्सेदार को सदा सदा के लिए उस घर से दूर कर दिया था। यह सब देखकर श्यामली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई माँ अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भी कर सकती है। उसे आज अपनी सास से बहुत घृणा होने लगी थी। दिशा भी बिल्कुल टूट चुकी थी। वैसे तो वो बचपन से ही माँ का यह रूप देखती आई थी, लेकिन आज तो उसकी माँ ने सारी हदें पार कर दी थी। वो अपने टूटे हुए मन को समझा रही थी कि कम से कम मेरा ससुराल तो अच्छा है, लेकिन फिर भी खून के रिश्ते का ऐसा घिनौना रूप उससे हजम नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए। दमयंती जी अपनी सत्ता के नशे में चूर थी। उन्हें पता नहीं था कि वक्त उन्हें कौन सा रंग दिखाने वाला है। एक बार श्यामली के मायके से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। घर पर केवल मनोज और दमयंती जी ही थे। उस रात उनके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो आधी रात को कमरे से बाहर निकली। बहू भी मायके गई थी और बेटे के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। दमयंती जी आगे बढ़ी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बेटा उनके साथ क्या करने वाला है। मनोज अपने कमरे में कुछ फाइलें चेक कर रहा था। माँ की आहट आते ही उसने फाइलें छुपा ली। वैसे तो दमयंती जी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जिसके मन में चोर हो वो क्या करे, इसलिए मनोज भी माँ को देखकर घबरा गया था। दमयंती जी ने कहा, बेटा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई दवाई है तो दे दो ना। मनोज ने चुपचाप माँ को दवाई दे दी और वो दवाई खाकर सो गई। अगली सुबह मनोज समय से पहले उठ गया था और रसोई में जाकर उसने माँ के लिए चाय नाश्ता तैयार किया। फिर बड़े ही प्यार से अपनी माँ को नाश्ता कराया। दमयंती जी तो निहाली हो गई और कहने लगी कि इसीलिए कहते हैं लोग कि बुढ़ापे में बेटा ही काम आता है, देखो तो मेरा बेटा मेरी कितनी सेवा कर रहा है। मनोज मुस्कुराते हुए बोला, माँ एक काम करो ना, मैंने आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आप उस पर अंगूठा लगा दो ना। दमयंती जी ने खुशी खुशी बेटे के दिए पेपर्स पर अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगते ही मनोज कुटिलता से मुस्कुराया और अपनी पत्नी को फोन करने के लिए चला गया। कुछ दिनों में जब उसकी पत्नी श्यामली मायके से वापस आई, तब वो दमयंती जी से कहने लगी, सासू माँ शहर में एक नया वृद्धाश्रम खुला है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आप वहीं जाकर रह लीजिए। दमयंती जी गुस्से से उबलते हुए बोली, मेरे बेटे के होते हुए मुझे वृद्धाश्रम में जाने की क्या जरूरत है, तू अपनी माँ को क्यों नहीं भेज देती वृद्धाश्रम? उनकी बहू कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, मेरी माँ क्यों जाएंगी वृद्धाश्रम? मेरी माँ अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार थोड़े न करती है, वह तो आपने मेरी नाक में दम कर रखा था, इसलिए अब आपको मैं अपने साथ नहीं रखूंगी। दमयंती जी क्रोध से बोली, ये घर मेरा है, तू कौन होती है मुझे अपने साथ रखने वाली या नहीं रखने वाली? मनोज गुस्से से बोला, माँ तुम मेरी पत्नी से जरा तमीज से बात करो, अब ये घर मेरे नाम पर है और हम ये फैसला करेंगे कि तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं रहना है। यह देखो घर के कागजात पर तुमने खुद अंगूठा लगाया है। माँ तुम बूढ़ी हो गई हो, अब घर गृहस्थी का मोह छोड़ो, हमारे भी कुछ रुपए बचेंगे, अब तुम वृद्धाश्रम में अपने हम उम्र लोगों के साथ मजे से रहो, तुम्हारी बीमारी वगैरह में बहुत पैसे बर्बाद होने लगे हैं और आखिरकार ये सारी संपत्ति मेरी ही तो है, तो क्या इन पर अधिकार जताने के लिए तुम्हारे मरने का इंतजार करना होगा? यह बात सुनते ही दमयंती जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। बेटे के इस विश्वासघात से वो एक पल में ही टूट गई थी। उनके लिए उनका बेटा ही उनके जीवन की धुरी था, लेकिन बेटा तो उनसे भी अधिक धन का लोभी और स्वार्थी निकला था। आज समय उनके ही बनाए हुए आईने में उनके कर्म दिखा रहा था। इस बात का दमयंती जी को बहुत गहरा सदमा लगा और उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया।
वृद्धाश्रम के बदले अब वो एक सरकारी पागलखाने में पहुंच चुकी थी। दमयंती जी ने जिस जायदाद को अपने बेटे के लिए सुरक्षित रखने के लिए बेटी पर इतने लांछन लगाए, उस पर इतने आरोप लगाकर उसे मानसिक रूप से परेशान किया। आखिरकार बेटे ने जब वो संपत्ति हासिल कर ली तो वह बेटा माँ का भी नहीं हुआ। क्या चाहा था दिशा ने? बस माँ का प्यार। लेकिन दमयंती जी ने उस प्यार को पैसों से तौल कर जो पाप किया था उसका फल ही आज वो भुगत रही थी। जब दिशा को अपनी माँ की मानसिक स्थिति के बारे में पता चला तो उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन यह तो उनके ही कर्मों का फल था। दिशा आज भी अपनी माँ से मिलने के लिए तो जाती है, लेकिन दिशा की माँ ने दिशा के दिलो दिमाग पर जो गहरे जख्म दिए हैं वह घाव कभी भर नहीं सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग पता नहीं बेटे और बेटी में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। आगे चलकर बेटा हो या बेटी, कौन लायक निकले या नालायक निकल जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बच्चों को केवल प्रेम से सींचना चाहिए, उनमें अच्छे संस्कार डालने चाहिए, ना कि उनमें रुपए पैसों के प्रति मोह जगाना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।